आईपीएल 2024 में वापसी के लिए टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत जमकर पसीना बहा रहे हैं। सोशल मीडिया पर प्रैक्टिस सेशन से जुड़े तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें स्टार क्रिकेटर पंत को नेट्स पर समय बिताते देखा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पंत ने बुधवार को प्रैक्टिस के दौरान 20 ओवर बल्लेबाजी की, हालांकि उन्होंने विकेट कीपिंग नहीं की। फिलहाल वो एनसीए में है और फिजियो की निगरानी में है। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान पंत कार दुर्घटना में घायल होने के बाद से एक्शन में नहीं है। क्रिकेट से दूर हुए उन्हें एक साल से ज्यादा समय हो चुका है। इस बीच खबरें आ रही हैं कि आने वाले टूर्नामेंट में वो नजर आएंगे। मंगलवार को पंत ने सोशल मीडिया हैंडल से अपनी हेल्थ को लेकर अपडेट दिया है। इसमें उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की थी, जिसमें वो बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस करते दिख रहे थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी हालत में पहले के मुकाबले काफी सुधार है। बता दें कि 30 दिसंबर 2022 को कार दुर्घटना का शिकार होने के बाद पंत पूरे तरीके से घायल हो गए थे। उनकी गाड़ी में आग लग गई थी। पंत के दाहिने घुटने का लिगामेंट फट गया था और उनकी दाहिनी कलाई, टखने और पैर के अंगूठे के साथ साथ उनकी पीठ में भी चोटें आई थी। अब अपने चेहरे की चोटों, घावों और खरोंचों को ठीक करने के लिए उन्होंने सर्जरी कराई। हाल ही में वो इलाज के लिए लंदन भी गए थे। वो अक्सर सोशल मीडिया के जरिए फैंस को अपने स्वास्थ्य में सुधार की जानकारी देते हैं। आईपीएल 2024 की शुरुआत 22 मार्च से होने जा रही है। आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने मंगलवार को न्यूज एजेंसी पीटीआई से इस बात की पुष्टि की। आम चुनाव के बावजूद पूरा टूर्नामेंट भारत में ही खेला जाएगा। चुनाव अप्रैल और मई महीने में होने की उम्मीद है और यही मुख्य कारण है कि आईपीएल के 17वें संस्करण के शेड्यूल को अभी तक जारी नहीं किया गया है। धूमल ने कहा कि शुरुआत में सिर्फ पहले 15 दिनों का शेड्यूल जारी किया जाएगा, बाकी मैचों की सूची आम चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद तय की जाएगी। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।